तो आज के हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, किसी भी वस्तु का बड़े पैमाने पर जब उत्पादन किया जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं व्यावसायिक उत्पादन। इसमें हम लोग सेरीकल्चर, पीसीकल्चर और एपीकल्चर पर मेनली फोकस करेंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं सेरीकल्चर किसे कहते हैं। हम सब जानते हैं रेशम के कपड़ों की अहमियत क्या होती है। रेशमी कपड़ों का सबसे पहले स्टार्ट तो चाइना में हुआ था, आपको पता होगा। रेशम जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, इनका निर्माण रेशम के कीट करते हैं। हालांकि आप देखेंगे, अगर आप नक्शा देखेंगे यहाँ पे जो फिगर दिख रहा है, इसमें रेशम मार्ग सिल्क रूट था जिस पर कनिष्क ने अधिकार भी कर लिया था। तो जो चाइना का था, जिसे यूरोप और मिडिल ईस्ट से चाइना को जोड़ता था रेशम मार्ग। रेशम के उत्पादन को हम सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम के कीट को हम शहतूत के पौधों पर पालते हैं। इस कीट के कितनी अवस्थाएं होती है, रेशम कैसे निकलते हैं, चलिए इसको हम लोग जान लेते हैं। देखिए, रेशम के कीट का सबसे बचपना अवस्था होता है लार्वा। इस समय उसकी लार की जो ग्लैंड होती है, स्लेवरी ग्लैंड, वो बन चुकी होती है, लेकिन वो उससे रेशम नहीं बना पाता है। लेकिन प्यूपा अवस्था में जब जो आता है ना, यानी जब वो यंग एज में आता है, तो उसे कहते हैं प्यूपा अवस्था। इस स्टेज में वो सबसे पहले रेशम का निर्माण करता है, लेकिन इस स्टेज में ज़्यादा रेशम नहीं होता है कि हम उसके एक इंडस्ट्रीज बना सके। लेकिन जब वो कोकून स्टेज में आता है, कोकून अवस्था में, तो सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन करता है। ये उसका बुढ़ापा अवस्था। वैसे भी आप जानते हैं बूढ़े लोग कितना ज़्यादा थूकते हैं, एक एक कटोरा थूक देते हैं, वैसे ये भी बूढ़ा हो जाता है तो कुछ ज़्यादा ही थूकता है। इसके जब थूकेगा तो उसका थूक रेशम बन जाता है, उसी पे बैठ के ये आराम करता है। आदमी आता है, हटा देता है, ले आ तू अपना थूक ले, ये भी कहता है मेरा थूक उठा लिया, कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर थूक दूंगा। फिर थूकता है, फिर रेशम का निर्माण हो जाता है। इसे हम लोग कहते हैं सेरीकल्चर। ये बहुत बड़े पैमाने पर होता है। रेशम की टोटल चार कैटेगरी होते हैं हमारे यहाँ हिंदुस्तान में। टोटल रेशम के चारों कैटेगरी होते हैं। चलिए देखते हैं चारों कैटेगरी। देखिए, रेशम के हम चार कैटेगरी को देखते हैं, मलबरी, ईरी, टमर और मूंगा। भारत में ये चारों कैटेगरी के रेशम होते हैं, जिसमें उनका परसेंटेज इस हिसाब से है। सबसे ज़्यादा मालबरी होता है। ये परसेंटेज पॉइंट में कुछ आगे पीछे हो सकते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन कर्नाटक में होता है। रेशम प्रोटीन का बना होता है, जबकि जूट, जूट आप समझते हैं, जूट को हम लोग हिंदी में पटसन कहते हैं। जूट जो होता है हिंदी में इसे कहेंगे पटसन। ये किससे निकलता है, ये तना से निकलता है। जूट तना से निकलता है। ये किसका बना होता है, सेल्यूलोज का, सेल्यूलोज का बना होता है। अगर हम जूट की बात करेंगे तो पूरे इंडिया में, सब पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन भारत में हो जाता है, और पश्चिम बंगाल इसमें एक नंबर है। हालांकि जब इंडिया पाकिस्तान का सेपरेशन, विभाजन हुआ था, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित कोई उद्योग हुआ था तो जूट उद्योग हुआ था। क्यों? क्योंकि जूट के कारखाने इंडिया में रह गए, और जूट का जितना भी खेत था वो बांग्लादेश, जो यानी कि उस समय पूर्वी पाकिस्तान था, उसके पास चला गया। फिर भी अभी हम लोग एक नंबर जूट उत्पादन में हैं। दूसरे नंबर पर जूट उत्पादन में जो आता है वो बांग्लादेश आता है। जूट के बोरे देखे होंगे आप लोग, वो तना से प्राप्त किया जाता है जूट के बोरे को। इसमें बहुत ज्यादा लेबर की जरूरत होती है। इसके जूट से रेशा बनाना कताई कहलाता है। इसे पानी में एक दो दिन भिगा के रखना पड़ता है, जो बहुत ज्यादा लेबर कॉस्ट वाला काम है। आप इसको, जूट को आप देख सकते हैं या इमेज में, जूट कैसा होता है, बोरा वगैरह इसके बनाए जाते हैं। सेकंड समझते हैं हम लोग एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन व्यावसायिक स्तर पर बहुत ज़्यादा मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपीकल्चर। मधुमक्खी का जो शहद होता है, शहद जो होता है, इसमें फ्रुक्टोज और सुक्रोज होता है। मधुमक्खी की जो चाल होती है वो 16 मील प्रति घंटा के चाल से ये चलती है। मधुमक्खी प्रति घंटा का चाल इसका होता है। मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, जिसमें मधुमक्खी रहती है, मधुमक्खी का छत्ता, वो मोम का बना होता है। मधुमक्खियाँ इसको नेचुरली बनाती हैं। मधुमक्खियों की जो फैमिली होती है, फैमिली में मधुमक्खी के तीन कैटेगरी रहते हैं पूरे फैमिली में। एक इसमें जो होती है रानी होती है, और कुछ इसमें नर होते हैं, और बाकी इसमें श्रमिक होते हैं जो नपुंसक होते हैं। अब इसमें समझिए छत्ते में क्या, कैसे मधुमक्खी का उत्पादन होगा। रानी, एक ही रानी मधुमक्खी होती है। नर की संख्या कुछ ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा संख्या में श्रमिक होते हैं, जो नपुंसक होते हैं। रियलिटी में ये जो श्रमिक हैं, यानी जो नपुंसक मधुमक्खियाँ हैं, ये जब पैदा होती हैं तो ये फीमेल रहती हैं। इन्हें नपुंसक बनाने का काम रानी मधुमक्खी करती है। समझते हैं कैसे कर देती है। जब मधुमक्खी अपना अंडा देती है तो उस अंडे में, छत्ते पे मधुमक्खी के अंडे में बहुत सारे अंडे रहते हैं, तो रानी मधुमक्खी के शरीर से एक एसिड निकलता है। रानी मधुमक्खी के शरीर से एक एसिड निकलता है जिसका नाम होता है अल्फा कीटोग्लुटेरिक एसिड। अब रानी मधुमक्खी करती क्या है,
रानी मधुमक्खी जैसे अंडे से बच्चे निकलते हैं वो पूरे बच्चों के पास घूमती है ताकि उसके शरीर से निकलने वाला अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड सारे मधुमक्खी से जो नए बच्चे निकले हैं सबके शरीर पर लग जाए। रीजन क्या है कि अगर ये एसिड किसी मेल के शरीर पर लगा तो उसे कोई इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई फीमेल पे भी है, फीमेल पे अगर ये लगा तो फीमेल को वो नपुंसक बना देगा, नपुंसक बना देगा। तो रानी मधुमक्खी जानती है, सारे छत्ते पर घूमती रहती है रानी, कि जो अंडा तुरंत निकला है एक हफ्ते के अंदर अंदर वो सबको अल्फा कीटो ग्लूटेरिक लगाना चाहती है। जानती है कि मेल को तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर फीमेल को लग गया तो वो नपुंसक बन जाएगी। अगर फीमेल नपुंसक नहीं बनी तो आगे जाकर वो उसकी सौतन बन जाएगी, क्योंकि वो भी बड़ी होकर रानी बन जाएगी। और ये एक हफ्ते के अंदर अंदर कर देना है, इसलिए वो रानी मधुमक्खी एक हफ्ते के अंदर अंदर पूरे छत्ता को कर देती है, और पूरे छत्ता के अंदर केवल और केवल नपुंसक मेल रह जाते हैं और रानी और बाकी नपुंसक हो जाते हैं सब। तो ये रानी मधुमक्खी का काम है। अब कभी कभी क्या होता है कि रानी मधुमक्खी पूरे छत्ते पर घूमती है और बाय द वे कोई एक फीमेल इस अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड के संपर्क में नहीं आ पाती है और एक हफ्ता का समय क्रॉस कर जाता है, अब उस पर ये एसिड काम नहीं करेगा। अब यही मधुमक्खी जो फीमेल थी बड़ी होकर रानी मधुमक्खी बन जाएगी। तो आप देखे होंगे एक छत्ता रहता है, उसके बगल में एक दूसरा छत्ता बहुत ही जल्दी लग जाता है। जो बच गई थी फीमेल बड़ी होकर रानी बनी और वह रानी इधर की ओर चल दी। इस पे से जितने भी मेल थे सब वो मेल इस रानी को, कुछ मेल यहीं रह गए और कुछ मेल उधर की ओर चल दिए। ताजा ताजा कली खिली है, हम उसके दीवाने हैं, चल दिए सब उधर में। तो ये होता है आपका एपिकल्चर में ये सिस्टम होता है। अब आप देखे होंगे कभी कभी मधुमक्खी के छत्ता पे आप ईंटा मारिएगा, अगर वो नपुंसक को लग गया, नपुंसक को, तो दो चार नपुंसक दौड़ा के काटेंगे, और अगर मेल को लग गया तो 10-15 आ जाएंगे उसको काटने के लिए। और अगर गलती से रानी मधुमक्खी को लग गया तब रानी दौड़ेगी तो उसके पीछे मेल दौड़ेगा, सब मेल के पीछे पीछे नपुंसक दौड़ेगा, सीख मैडम कहाँ 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 कहाँ, अब वो जिनको काटेंगे सब उनको बर्बाद कर देंगे सब। इसलिए मेल जो होते हैं ये तो कम संख्या में, तो सबसे बड़ी होती है मधुमक्खी के छत्ते की रानी। अगर रानी जिधर गई उनको तो बर्बाद कर देंगे। कभी कभी आप एक चीज और देखे होंगे, कोई कोई छत्ता जो होता है ना वो खाली हो जाता है, उस छत्ते पे कोई मधुमक्खी नहीं रहती है, तो छत्ता खाली कैसे हो जाता है? तो कभी कभी क्या होता है कि रानी मधुमक्खी मर गई बीमार होने की वजह से, या कभी कोई ईंटा मारा और इत्तेफाक से रानी मधुमक्खी का लगा तो मर गई। तो नर कहेंगे सर अब हम क्या करेंगे, मैंने तेरे लिए जग छोड़ा तो मुझको छोड़ चली, भाग जाते हैं सब वहां से। तो कभी कभी छत्ता खाली हो जाता है। अब बात आता है एपिकल्चर में करते क्या है। एपिकल्चर में क्या होता है, जो रानी मधुमक्खी होती है जैसे अंडा देती है, और जब अंडा फूटने का टाइम होता है तो उस रानी मधुमक्खी को पकड़ के डिब्बे में बंद कर दिया जाता है कि तुम अंदर रहो। तो उससे क्या होगा, जितने मेल हैं उन पे वो अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड उन पे तो पहले भी असर नहीं कर रहा था, अब ये जो फीमेल थी रानी मधुमक्खी है ही नहीं है जो उन पर ये वाली एसिड लगाए, अब वो एक हफ्ता 10 दिन का समय चला जाता है तब रानी मधुमक्खी को छोड़ा जाता है। अब वो जो फीमेल है अब तो उन पर वो असर करेगा नहीं, अब वो हिजरा थोड़ी ना हो पाएंगी, अब वो नपुंसक नहीं होंगी, और ढेर संख्या में रानी मधुमक्खी होगी तो छत्तों की संख्या भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिस वजह से हमें शहद का उत्पादन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। शहद एक नेचुरल कार्बोहाइड्रेट का काम करता है, नेचुरल शुगर होता है, वो बहुत फायदेमंद होता है। तो इसे हम लोग कहते हैं एपिकल्चर। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखिए शहद में सुक्रोज होता है, फ्रुक्टोज होता है और सुक्रोज होता है, जबकि चीनी गन्ना या चुकंदर की बात करेंगे तो इसमें सुक्रोज होता है, मीठा जो होता है वो फ्रुक्टोज होता है। फ्रुक्टोज सुक्रोज से 1.7 गुना ज़्यादा मीठा होता है, हालांकि एक केमिकल आता है सैक्रीन वो सुक्रोज से 500 गुना ज़्यादा मीठा होता है। अगर आप टोटल और मीठा की बात करेंगे तो सैक्रीन होगा, बट ये नेचुरल चीज़ नहीं है, ये आर्टिफिशियल चीज़ है। नेचुरल में सबसे ज़्यादा मीठा जो होता है वो फ्रुक्टोज होता है। अब बात करते हैं मधुमक्खी के वर्किंग एरिया का। तो मधुमक्खी जो होती है वो श्रम विभाजन के सिद्धांत पर काम करती है, इनमें सबका काम आपस में बटा होता है। रानी मधुमक्खी का काम क्या होता है, वो अंडे देती है, नर मधुमक्खी रानी के साथ रहते न। अब बात करते हैं नपुंसक की, जो बेचारी पहले फीमेल थी लेकिन अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड के शिकार होने के कारण अगर ये एसिड एक हफ्ता के पहले लग गया तो बेचारी नपुंसक हो जाती है। अब उनका क्या करें, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ, घर तो घर थे अपनों का सहारा ना हुआ। तो ये श्रमिक जो होती हैं अब ये क्या करेंगी, छत्ता निर्माण करेगी और शहद बनाएगी, सबसे बढ़िया ये दोनों बेचारा आराम करते रहते हैं सब सब मधुमक्खी के छत्ते पर। अब बात करते हैं मधुमक्खी की भाषा क्या होती है। मधुमक्खी अपनी भाषा नृत्य को देख के करती है, वो डांस करके अपनी भाषा का निर्माण करती है, उसी डांस को देख कर, नृत्य को देख कर मधुमक्खी अपना रास्ता को पहचान कर लेती है।
मधुमक्खी की बात। मधुमक्खी की भाषा की खोज सबसे पहले 1973 में सर जॉन वॉन फ्रिस ने किया था। 1973 में सर वॉन फ्रिस को नोबेल पुरस्कार मिला क्योंकि वो मधुमक्खियों की भाषा की खोज की थी। उनकी भाषा उनके नृत्य के माध्यम से होता है। मधुमक्खी में एक चीज़ अच्छाई क्या है कि वो विद्युत चुंबकीय यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को वो देख सकती हैं। अब इनसे एक प्रॉब्लम भी आता है, ये जो हम लोग टीवी टावर मोबाइल टावर लगाए इस पे भी विद्युत चुंबकीय तरंगे निकलती हैं। अब वहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में विद्युत चुंबकीय तरंगे निकलती हैं तो मधुमक्खियों को लगता है कि ये तरंगे मेरे छत्ते से आ रही हैं जहाँ पे हम वो छत्ता बनाए हैं, तो वो सारी की सारी मधुमक्खियाँ उस टीवी टावर की ओर चली जाती हैं और अपना रास्ता बदल देती हैं, भटक जाती हैं। इसलिए ये मोबाइल टावरों के रेडिएशन से मधुमक्खियों पर निगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। मधुमक्खी बिच्छी या फिर हड़ा जो होते हैं इन सबों के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। चींटी में भी फॉर्मिक एसिड पाया जाता है लेकिन चींटी का डंक कम खतरनाक होता है जबकि मधुमक्खी का ज़्यादा होता है। एक्चुअली ये डिपेंड करता है पीएच पर, किसका पीएच कितना ज़्यादा है, यानी मधुमक्खी का डंक अम्लीय होता है। अब हम लोग अगला समझते हैं मछली पालन जिसे हम पीसी कल्चर। देखिए व्यावसायिक स्तर पर मछली का उत्पादन करना पीसी कल्चर कहलाता है। अब मछली के उत्पादन के लिए कई तरीके हो सकते हैं। आप आरओ मेथड से भी पाल सकते हैं जैसे हैदराबाद में पाला जाता है, या फिर आजकल एक बायोफ्लॉप आ गया है वो ग्राउंड टब में उसको पाल लिया जा रहा है। लगभग 4 मीटर के डायमीटर रेडियस में आप बायोफ्लॉप को देख सकते हैं यहाँ पे। अब मछली को हम लोग जो पुराना विलेज मेथड है उसको कैसे पालते हैं, तो एक्चुअली मछली पालने के लिए जो तालाब होता है वो तालाब 5 फीट गहरा होना चाहिए ये पीसी कल्चर के लिए, जिसमें पानी जो होना चाहिए वो केवल 4 फीट तक ही पानी होनी चाहिए। अब आप मछलियों के भी कैटेगरी देंगे, कई ऐसी मछलियां होती हैं जो बहुत गहराई में रहती हैं, तो आप इसमें 3 तरह के मछलियों को डाला जाता है। बहुत गहराई में रहने वाली मछलियाँ नीचे चली जाती हैं, मीडियम गहराई वाली ऊपर और कम गहराई वाली ऊपर रहती हैं। यानी एक ही तालाब में आप 3 तरह की मछलियों को पाल सकते हैं। मछलियों का सबसे बड़ा भोजन होता है अमोनिया। अमोनिया कहाँ से आएगा, तो इसके लिए एक सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, बत्तख। बत्तख का जो बीट होता है यानी जो बत्तख लेटरिन करता है तो वो मछलियाँ उसके लिए सबसे प्रोटीन वाला खाना होता है, मछलियाँ उन्हें खा लेती हैं। अब बत्तख जो मछलियों को नुकसान करने वाला कीटाणु होते हैं बत्तख उन्हें खा जाते हैं, तो दोनों के साथ एक चेन रिएक्शन चलते रहता है। बहुत अच्छा बात है। अब बत्तख से मछलियाँ डर जाती हैं तो बत्तख को देख के मछलियाँ भागती हैं, मछली जितने भागेंगी उनका एनर्जी उतना खत्म होगा और बहुत जल्दी बढ़ेंगी, तो एक बत्तख पालन हो सकता है यहाँ पे। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, इसे हम पीसी कल्चर के नाम से जानते हैं मछली पालन। अब देखिए मुर्गी पालन को हम लोग कुक्कड़ बोलते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग के नाम से जानते हैं। ये कई टाइप से होती हैं, ब्रॉयलर होती हैं, एक लेयर फार्मिंग होती है। लेयर मुर्गी फार्मिंग उसे बोलते हैं जो अंडा देती है, ब्रॉयलर फार्मिंग उसे बोलते हैं जो मीट परपज मांस के लिए बोया जाता है, और कुछ बैकयार्ड फार्मिंग होती हैं जो मतलब घर के पीछे आंगन वगैरह में जो गाँव में लोग मुर्गी पालन करते हैं उसे बैकयार्ड फार्मिंग के नाम से जानते हैं। मुर्गियों के लिए भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, उनमें बीमारियाँ ज़्यादा आती हैं सब मुर्गी पालन में, तो उसका उत्पादन भी आजकल नवार्ड बहुत ज़्यादा सब्सिडीज वगैरह देती है। बाकी आप यहाँ लिस्ट देख सकते हैं जो जो चीज़ के उत्पादन का जो भी कल्चर था वो हमने यहाँ पे लिस्ट में दे दिया। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।